आज मैं आपको बताऊंगा कि 20 mm थिक पीसी वर्क विद सील कोट में बिटमिन की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए कि आपके पास आपने प्राइम कोट करना है। प्राइम कोट SS1 का किया जाता है। अगर हमारी WBM WMM सरफेस है उसकी क्वांटिटी 7 से 10 किलो ली जाती है पर 10 square meter एरिया के लिए। हमने इसकी क्वांटिटी 8 kg पर 10 square meter के लिए ले लिया है। और सबसे ज़रूरी बात कि जो भी मैं आपको डाटा दे रहा हूँ वो डाटा कहाँ अवेलेबल है, तो उसके लिए मैंने रेफरेंस लिखा हो गया है कि मोड सेक्शन 502 में आपको ये सब डाटा मिल जाएगा प्राइम कोड से रिलेटेड। फिर आ गया टैग कोड। टैग कोड जो है हम RS1 का यूज़ करते हैं। और हमारी अगर सरफेस ग्रैनुलर सरफेस ट्रीटेड विद प्राइमर है तो उसकी क्वांटिटी 0.25 से 3 kg पर 10 स्क्वायर मीटर ली जाती है। तो हम इसको 3 kg यहाँ पे ले रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। और ये जब आपको डाटा मिलेगा सेक्शन 503 टेबल 500.2 में मिल जाएगी। और 20 mm थिक प्रीमिक्स कारपेट यूजिंग बिटमिन इमल्शन के लिए हम MS ग्रेड का बिटमिन इमल्शन यूज़ करते हैं, और जिसमें मिनिमम, ये बहुत ज़रूरी बात है, जिसमें मिनिमम 65% बिटमिन कंटेन होना चाहिए। और इसकी क्वांटिटी 21.50 kg ली जाती है, जिसमें 14 kg 0.18 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट के लिए एवं 7.50 kg 0.09 क्यूबिक मीटर के लिए होता है। ये सारी आपको चीज़ें सेक्शन 508.20 टेबल 500.14 में मिल जाएंगी मोड में। सील कोट टाइप बी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी 10 से 12 kg ली जाती है। 10 से 12 kg ली जाती है। मान लीजिए यहाँ पे हम इसे 11 kg कैलकुलेशन के लिए 11 kg ले रहे हैं। और ये जो आपको जानकारी है सेक्शन 510 टेबल 500.16 में अवेलेबल है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ बिटमिन इमल्शन हमारा हो गया 8 kg प्राइम कोट का, 3 kg टेक कोट का, 21.50 kg प्रीमिक्स कारपेट का और 11 kg सील कोट का। तो टोटल हमारा 43.50 kg बनता है फॉर 10 square meter एरिया के लिए। इसी प्रकार हम एग्रीगेट की क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट फॉर 10 square meter एरिया फॉर पीसी वर्क। नॉमिनल साइज हमारा इसका होता है एग्रीगेट का 13.2 mm, जो 22.4 mm सीप से पास हो जाता है एंड 11.20 mm सीप पे रिटेन होता है। उसके लिए हम 0.18 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी लेते हैं। ये आपको टेबल 500.14 में मिल जाएगी। नॉमिनल साइज 11.20 mm, पासिंग 13.2 mm सीव एंड रिटेन ऑन 5.6 mm सीव, जिसकी क्वांटिटी 0.09 क्यूबिक मीटर ली जाती है। तो अब इन टोटल दोनों का टोटल हो गया 0.27 kg। और हमने इसकी डेंसिटी, ये जो डेंसिटी है हमने इसकी 1800 kg पर मीटर क्यूब ली है। तो हमारा वेट निकल जाता है टोटल 486 kg। ठीक है, अब क्वांटिटी फॉर सील कोट। सील कोट के लिए एग्रीगेट जो होते हैं हमारे 2.36 mm सीप से पास होने चाहिए और रिटेन ऑन 180 माइक्रोन सीप पे। इसकी क्वांटिटी ली जाती है 0.06 क्यूबिक मीटर। अब क्वांटिटी इन केजी 0.06, हमने यहाँ पे डेंसिटी ली है सैंड की 1600 kg पर क्यूबिक मीटर, तो 96 kg हमारा निकल गया। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट हमारा आ गया 486 प्लस 96 582 kg। अब ओवरऑल परसेंटेज ऑफ बिटमिन इमल्शन जिसके अंदर हम प्राइम कोट, टैग, पीसी और सील यूज़ कर रहे हैं तो हमारा निकलता है परसेंटेज 7.47%। मान लीजिए कि हमें प्राइम कोट और टैग कोट और कैलकुलेशन में नहीं लेना है तो हमारी परसेंटेज निकलेगी 5.58%। और इसी प्रकार अगर हमारा, हमने ये हमारे बिटमिन इमल्शन की परसेंटेज है, अगर हमें बिटमिन की कंटेंट निकालना है कितना हमारा बाइंडर यूज़ हो रहा है तो हम इसको 65% लेंगे। तो हमारा 32.5 × 0.65 divided by 582 × 100, तो 3.63% हमारी परसेंटेज निकलती है। तो अगर आपसे अब कोई भी पूछे कि 10 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए पीसी प्लस सील वर्क में कितने बिटवीन परसेंटेज यूज हुई है, तो आप सीधा कह सकते हैं 3.63%। थैंक यू।